आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटे के आइकन को दबा दीजिए। बिग बॉस 13 के वीकेंड का वार में हिना खान और प्रियांक शर्मा पहुंचे। घर के अंदर दोनों ने कंटेस्टेंट को मजेदार टास्क दिए। इसके तहत एक-एक कर सभी को तीन कंटेस्टेंट के बारे में बताना था, जो उन्हें सबसे मजबूत, जिससे सबसे ज्यादा खतरा हो और जो कमजोर लगता हो। शनिवार को वीकेंड का वार एपिसोड के बाद प्रसारित प्रोमो में दिखाया जाता है कि पारस छाबड़ा आसिम को सबसे कमजोर मानते हैं। हिना खान के सामने पारस कहते हैं कि भले ही ज्यादातर घरवाले आसिम को खतरनाक कंटेस्टेंट मानते हैं, लेकिन उनके लिए वो जीरो हैं। इस पर हिना खान कहती है कि आसिम के खेल को बाहर पसंद किया जा रहा है और लोग उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। यह सीन प्रोमो में दिखाया गया था, लेकिन जब रविवार को एपिसोड प्रसारित हुआ तो हिना खान ने आसिम के समर्थन में जो बात कही थी उसे काट दिया गया। बिग बॉस के मेकर्स ने आखिर इस सीन को क्यों काट दिया, टीवी पर नहीं दिखाया? सोशल मीडिया पर आसिम के फैंस के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर यह सीन क्यों काट दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले शनिवार को बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी घर में पहुंची और मौजूदा कंटेस्टेंट को आईना दिखाया। काम्या ने रश्मि अरहान और शेफाली जरीवाला को उनकी अच्छाइयां और कमियां बताई। एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने काम्या से पूछा कि आखिर उन्होंने आसिम से क्यों कुछ नहीं कहा। इस पर काम्या ने अपने ट्विटर पर लिखा कि निश्चित रूप से मैंने आसिम से भी बात की। मैंने उससे कहा, इस घर में तुम्हारा एक ही दोस्त था जिसने हर जगह अपने आप से पहले तुम्हें रखा। यह हम सब ने देखा है, लेकिन तुमने उसे खो दिया। गेम खेलो, लेकिन कौन अपना है और नहीं इसे भी समझो। हम दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और गुड लक बोलकर वापस आ गई। काम्या पंजाबी का यह सीन भी टीवी पर नहीं दिखाया गया था। बहरहाल, पहले काम्या और हबीना के एडिट किए गए सीन के बाद आसिम के फैंस जरूर बिग बॉस के प्रति नाराजगी दिखाते नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।